रॉकेट की स्पीड से चढ़ा शेयर, बजाज फाइनेंस से अब मुनाफे के लिए बनाएं ऐसे स्ट्रेटजी। दिग्गज NBFC बजाज फाइनेंस के शेयर इस वित्त वर्ष में अब तक 30% से भी ऊपर चढ़े हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में इसने करोड़पति बनाने में अधिक समय नहीं लिया और महज 15 साल में 18,000 रुपये के निवेश पर ही करोड़पति बना दिया। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी भी इसमें बम्पर कमाई का मौका बन रहा है। इसके शेयर मौजूदा लेवल से 24% से भी अधिक ऊपर उछल सकते हैं। इसके शेयर शुक्रवार 1 सितंबर को 2.12% की बढ़त के साथ 7,117 रुपये पर बंद हुए। इसका कुल मार्केट कैप 4,43,350.96 रुपये पर है। 15 साल में 18,000 बन गया 1 करोड़। बजाज फाइनेंस के शेयर 12 सितंबर 2008 को महज 12.24 रुपए में मिल रहे थे, अब यह 59,679% अपसाइड 7,317.00 रुपए पर है। यानी महज 15 साल में 18,000 रुपए के निवेश पर ही निवेशक करोड़पति बन गए। ऐसा नहीं है कि इसने लंबे समय में ही इतना शानदार रिटर्न दिया है, बल्कि कम टाइम फ्रेम में भी इसने बम्पर रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में ही यह 22 मई 2020 को 1,895.95 रुपये के भाव से अब तक 286% ऊपर चढ़ चुका है। वहीं पिछले 1 साल में शेयरों के मूवमेंट की बात करें तो 20 मार्च 2023 को यह 1 साल के निचले स्तर 5,487.25 रुपये पर था। इसके बाद 4 महीने में यह 46% उछलकर 5 जुलाई 2023 को 1 साल के हाई 7,999.90 रुपये पर पहुंच गया। हालांकि इस हाई लेवल से फिलहाल यह 8% से भी ज़्यादा नीचे है। बजाज फाइनेंस का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2023 के बीच 25% की CAGR से बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस दौरान इसके ग्राहक भी 2.6 करोड़ से बढ़कर 6.9 करोड़ पर पहुंच गए। घरेलू ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि अब आगे की बात करें तो इसका AUM वित्त वर्ष 2023 से 2025 में 28% की CAGR से बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच सकता है। इसकी ग्रोथ को सबसे तगड़ा सपोर्ट मॉर्गेज से मिल सकता है, जो पिछली 5 तिमाहियों में औसतन 28% बढ़ रहा है और इसकी बजाज फाइनेंस के कारोबार में 31% हिस्सेदारी है। जून तिमाही में इसने कार के लिए फाइनेंस करना शुरू किया और अब इसका लक्ष्य मार्च तिमाही तक माइक्रो फाइनेंस और फिर उसके बाद ट्रैक्टर फाइनेंस का है। ब्रोकरेज के मुताबिक इसका ग्रॉस NPA लेवल वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में 1 से 1.3% के बीच यानी 2% के नीचे बना रहेगा। इन बातों को देखते हुए ब्रोकरेज ने 9,105 रुपये के टारगेट प्राइस पर इसे खरीदारी की रेटिंग दी है। moneycontrol.com पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट्स या ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।